चले अंकल बाय। ओ भाई साहब अभी तो फिलहाल गर्मी है और पूरा आर्मी एरिया है यहाँ पे, पूरे मतलब आर्मी वाले हैं हर जगह आपकी हेल्प करने के लिए। तो हमने यहाँ पे एक एक चॉकलेट मंच स्निकर एक लेस का पैकेट और एक टैंग बॉटल में भर लिया है, तो ये चार चीज़। चाय सोचा पर इतनी गर्मी में क्या चाय पीते, उससे अच्छा सोचा क्यों ना टैंग सॉरी ग्लूकॉन डी हमने सोचा उससे अच्छा ग्लूकॉन डी पी लेते हैं, थोड़ा एनर्जी आएगी। और मुझे सामने कुछ तो भी एक्सीडेंट टाइप दिख रहा है, वो भाई जेसीबी की हालत देखो, जेसीबी को निकालने के लिए जेसीबी लगेगी यहाँ पे, ऐसी हालत हो गई है। ये देखो भाई जेसीबी तो दफन हो गई, इसको निकालने के लिए जेसीबी लगेंगी अब। भाई साहब निकलते वक्त वहाँ पे एक अंकल आए, तो मतलब जैसे कि पूरी 10 बाइक्स खड़ी थी ना वहाँ पे सारे राइडर्स की, तो वो अंकल सबके इसमें पढ़ रहे थे क्या क्या लिखा है। तो सबने कुछ ना कुछ स्लोगन लिखा था, ड्राइव सेफ वगैरह वगैरह, नहीं क्या जो मैंने आपको बताया रास्ते में, तो वो सब स्लोगन पढ़ रहे थे। फिर मेरी बाइक पे आए, बोले तुम्हारी बाइक पे कोई स्लोगन नहीं थी, नहीं लिख रहा है क्यों? मैं बोला अंकल ऐसी, अरे लिखना चाहिए बोलते, फ़ोटो तो अच्छी आती है उससे। तो मैंने बोला अंकल अब जो भी है हमारे पास, और मैंने अपने तिरंगे को हाथ लगाया, मतलब यही है, इसी में फ़ोटो अच्छी आती है हमारी। तो भाई वो अंकल तो एकदम अलग ही खुश, अरे तुम हाथ मिलाओ बोले बोला वाह भाई अभी ना भी सकते नाइस। और हम अभी धीरे धीरे ऊपर जाते हुए कार देखो यहाँ पे एक्सीडेंट, ये देखो पूरी हालत खराब है कार की। ये क्या है भाई, ये हमारा चौथा फोर्थ टनल डिस्ट्रिक्ट पुलिस रामबन श्री अमरनाथ जी यात्रा। ओ भाई भाई यहाँ पे तो बहुत ही अंधेरा है, भाई ये ट्रैवलर वालों को यहाँ पे भी ओवरटेक करना है भाई, ये लोग क्या है भाई। ओ भाई बाहर की हालत अच्छी नहीं दिख रही है, ये देखो भाई यहाँ पर जो टनल थी उसको बंद किया गया है, ये ब्रिज कमज़ोर हो गया है। यहाँ पे है हमारी पांचवी टनल, टनल नंबर 5। भाई मेरे को मुझे तो अच्छा ऐसा लग रहा है कि थोड़ी देर में मैं गिनती भूल जाऊँगा, तो अगर मैं गलत बोलूँ तो आप लोग बताइएगा कमेंट्स में। यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है क्या, लग तो रहा है हाँ भाई एक्सीडेंट हो गया है। बराबर है ना भाई, यहाँ पे जो ये क्या बोलते कमर्शियल गाड़ी वाले हैं जो वो लोग सारे बहुत अंधाधुंध चलाते हैं, कहीं भी रॉन्ग साइड में घुस जाएंगे, कैसे भी चलाएंगे, बस ठुक गए। ये देखो भाई फिर से पूरा लैंडस्लाइडेड एरिया, और यहाँ पे पुलिस लगी थी, रोक रोक के जाने दे रही हैं लोगों को, उनको सेफ लग रहा है तभी बोल रही हैं जाओ, नहीं तो रोक ले रही हैं। भाई आप लोग एक चीज़ मैंने नोटिस किया कि मैं ऐसे तैसे करके वीडियो डाल दे रहा हूँ पर आप कमेंट में कुछ पूछ ही नहीं रहे हो भाई। भाई कुछ कमेंट करो भाई, कुछ बताओ, कुछ पूछो, थोड़ा हमारा कमेंट भी तो भरा भरा लगे, नहीं तो भाई हम वीडियो डालते जा रहे हैं और आप लोग कुछ पूछ ही नहीं रहे हो। वीडियो किसके लिए डाली जा रही है, आपके लिए ही, तो कुछ पूछो कुछ बताओ, यही सब तो चाहिए। और लाइक तो करना ही है भाई, बिना लाइक करके तो जाना ही नहीं है, मैं जाने ही नहीं देगा।
ऐसा ऐसा कंटेंट डालेगा कि तुम लाइक करके ही जाएगा। ये देखो यहाँ पे भी पुलिस लगी है, डिस्ट्रिक्ट पुलिस रामबन। तो शायद हम लोग रामबन आ गए हैं। ये देखो भाई ने गाड़ी पे सारे झंडे लगाए हैं, इंडिया का ही लगाना भूल गया। सही है भाई, जलवे हैं भाई के। जो लगाना चाहिए वो झंडा छोड़ के और गांव के झंडे हैं। इस रूट पे वैसे तो भीड़ रहती नहीं है, लेकिन अभी मनाली वाला रूट बंद है, हिमाचल मनाली वाला, क्योंकि यहाँ पे बाढ़ आई हुई है, उसके कारण सब इधर से ही जा रहे हैं। आना जाना मतलब सिंगल रूट से ही शुरू हो चुका है, इसलिए यहाँ पे इतना रश दिख रहा है आपको। अभी बन गई है, हाँ क्या? अभी पकड़ा नहीं ना भाई, वो बोल रहा कट काय को मार रहे मेरे को। अगला साला वो वहां पुलिस वाले रुका रहे। ये देखो भाई नजारे, देखो बस नजारे ही देखते रहो बस। एक साइड में देखो पूरे ऐसी ग्रीनरी, एक साइड में देखो पूरे पहाड़, और क्या चाहिए जिंदगी में, इतने अच्छे नजारे दिख जाएं तो। श्रीनगर 32 किलोमीटर, ये लाल ट्राल, ये देखो भाई आर्मी की गाड़ियां जा रही हैं। सब क्या ही नज़ारे हैं, देख रहे हो खाली आसमान, यहाँ पे पूरे बादल हैं, इधर पूरा पेड़, वो भी पूरा हरियाली से मतलब ढका हुआ पेड़, नहीं तो पेड़ हमेशा सूखे बंजर दिखते हैं, देखो पूरे हरियाली से ढके हुए पेड़ हैं। बीच में चलते हुए सोल्जर्स, भाई साहब नजारे हैं। ये देखो पूरी, शायद ये पूरे राइस होंगे, और कश्मीर कश्मीर में बासमती ज़्यादा बनते, तो शायद ये बासमती होगा। पूरे राइस की खेती हुई है लेफ्ट साइड में। देखो पहाड़ों के बीच में पे बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं। सब क्या ही प्यारा नज़ारा है, ये तो अभी बस ट्रेलर है, सोनमर्ग तो अभी आने का है, वो तो भाई और भी प्यारी जगह है। श्रीनगर से बाहर निकले हुए हमको हो चुका है लगभग 15 से 20 मिनट, और अभी हमारा सोनमर्ग 60 किलोमीटर मोर है, तभी हमको सामने की पहाड़ियों पे बर्फ की बूंदे नहीं झलक दिखी। भाई कभी भी रोक दे कार वाले, छोटा सा रोड है ना, नेशनल हाईवे है, छोटा सा नेशनल हाईवे 1।
वो देखो, स्नो स्नो। तो भाई अभी हम लोग सिंधु रिवर के किनारे किनारे चल रहे हैं। हमारे लेफ्ट साइड में सिंधु रिवर है और भी शायद सामने एक ब्रिज पड़ेगा। तो इसकी जो स्टोरी, यहाँ पे हम फोटो लेंगे, वो आपको इंस्टाग्राम पे देखने मिल जाएगी। तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करके रखिए, ब्लॉग से पहले अपडेट आता है। और आज हमको लगभग 7:30 हो जाएगा मुझे लग रहा है पहुँचते पहुँचते। ये रही भाई हमारी सिंधु रिवर। सिंधु रिवर भाई क्या ही प्यारी है भाई। भाई इसके बारे में भी पढ़ा था, सुना था, आज देख भी लिया भाई। सपने पूरे हो रहे हैं, अब सपनों की लिमिट बढ़ानी पड़ेगी, जिस जल्दबाजी से पूरे हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है छोटा सपना देख लिया था। पंजाब हरियाणा की गाड़ियां जा रही हैं। सोनमर्ग सोनमर्ग भाई जबरदस्ती ऊपर। ये क्या है, ये कौन सी जगह है भाई? आप लोग यहाँ आज स्टे करना पड़ेगा। क्यों? अच्छा, फिर कल सुबह यहाँ से निकलना पड़ेगा। वो लोग भी आगे निकल गए, हम पीछे रह गए थे, श्रीनगर में घूम गए थे। यहाँ से आपको स्टे करना है कहीं, यहाँ भी स्टे करो आराम से, 300 रुपये में स्टे हो जाएगा, खाना खाना फ्री। अच्छा पकड़ गाड़ी यहाँ पे लगाना है क्या? भाई ये दो लोग यहाँ पे मिल गए और बाकी सारे राइडर्स गायब। ओ भाई साहब, ऐसे कुछ हालात हैं भाई, आज रुकना पड़ेगा इधर ही। तो दोस्तों अभी हम लोग निकले थे सोनमर्ग के लिए, लेकिन यहाँ पे अभी कुछ नया रूल शुरू हुआ है कि 5 बजे के बाद आगे जाने नहीं देंगे। तो यहाँ पे ही एक टेंट मिले, मतलब दिए CRPF वालों ने, 300 रुपीज़ का टेंट पड़ा और 3 लोग हैं एक टेंट में। साथ में हमको एक भैया मिले जो काफ़ी फनी है। वो ऊपर है, ऊपर ऊपर वो ओम लिखा हुआ ना, वो तो फ्री है, फ्री है। ये तो चार्जिंग का है, ये चार्जिंग का है। कितना अंदर है सर? 5-4 अंदर है। आप तीन 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 आदमी रख रहे हैं एक टेंट में? एक टेंट में तीन आदमी आप तो बात करना पड़ेगा वहाँ, पैसे उतने ही लेंगे, 300 रुपया। तो ऐसे कुछ हालात है और अभी देखते हैं, आज भैया से बातें करेंगे, बहुत कुछ पता चलेगा आज क्या हालात चल रहे हैं। भैया अमरनाथ जा रहे हैं, वैसे भैया है मतलब प्रॉपर बिहार से है पर रहते हैं कोलकाता में। हाँ तो ये देखो, ये भाई साहब भी थके पड़े हैं। और यहाँ पे खाना वाना मतलब फ्री है और फ्रेश होके कल सुबह हम लोग निकलेंगे 5 बजे। तो चलिए चलते हैं और आपसे मिलते हैं थोड़ी दूर पे। तो कुछ ऐसे ये CRPF के
अमरनाथ यात्रियों के लिए जो कैंप लगाए गए थे उसका नज़ारा। तो कुछ ऐसे है यहाँ के हालात। आज हमें इस टेंट में रुकना पड़ रहा है, मेरा टेंट कहाँ गया हमें को दिख नहीं रहा है। ये है क्या मेरा टेंट? हाँ यही है। देखो कितनी मेहनत कर रहे हैं दिन रात एडिटिंग करते हुए, टेंट में भी मेहनत, बस आपको दिखाने के लिए अच्छी अच्छी वीडियोस। एडिटिंग ही चालू है शायद। यहाँ आवाज़ आ जाएगी मेरी, बाहर नहीं आएंगी स्पीकर से कारण। यहाँ पर सबका रहने का बंदोबस्त किया गया और वहाँ पर खाना, रहना, रहने में पैसे लग रहे हैं 300 रुपये सिंगल पर्सन के, पर खाना फ्री है। तो जब खाने जाएंगे तब आपको दिखाएंगे कैसा खाना है और रिएक्शन देंगे समीर सर का। तो दोस्तों अभी हमने टेंट से बाहर आके कुछ खाने का फैसला लिया है और जो हमारे साथ भैया है वहाँ पे टेंट में, दीपक भैया, उनने पहले ही खा लिया है। उनका कहना था यहाँ पे नूडल्स और टिकिया, डोसा, ये सब चीज़ें हैं। मतलब भाई फ्री में ये सब चीज़ें मिल रही हैं? चलिए देखा जाए सही में ये सब चीज़ें है क्या, अगर होगी तब तो पेट में रहेगी और कल सुबह बाहर। आइए चेक करते हैं। येलो नूडल्स, येलो कलर के नूडल्स हल्दी डाल के, नूडल्स प्लस पास्ता मिक्स, सोयाबीन भी है नूडल्स में, सोयाबीन पास्ता सब है।